मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक दिव्यांग शिक्षक ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के समीप पिंड दान कर विरोध जताया। दिव्यांग शिक्षक पवन दुबे ने बताया कि 24 सितंबर को अचानक उनके पिता का देहांत हो गया था। निधन के बाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उन्हें कहीं आना जाना मना था। इसी बीच शिक्षक ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सितंबर माह का लोन न काटकर अगले महीने में कटौती कर दी जाए। लेकिन बैंक के प्रबंधक ने दिव्यांग शिक्षक के प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज कर दिया और शिक्षक का वेतन काट लिया। बैंक प्रबंधक के इस अमानवीय व्यवहार से नाराज होकर शिक्षक पवन दुबे ने बैंक के सामने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए मुंडन करवाया और वही पिंडदान भी किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 सितंबर 2010 को मेरे सगे पिताजी का देवलोक गमन हो गया था, क्योंकि वो अचानक इस हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। और चूँकि इस विपदा की घड़ी में मेरे साथ कुछ आर्थिक समस्याएं आ खड़ी हुई, तो इसलिए मैं चूँकि मेरा यहाँ सैलरी खाता है और मेरा यहाँ वेतन प्रतिमाह भुगतान होता है, और चूँकि इसी बैंक से मेरा व्यक्तिगत ऋण भी है, इसलिए मैंने यहाँ के जो शाखा प्रबंधक हैं उनसे मैंने निवेदन किया कि चूँकि सर मेरे पिताजी का देवलोक गमन हो गया है, या कि आप मेरे लोन को रिवाइज कर दें, या नहीं कर सकते तो कुछ बीच का रास्ता बताएं, क्योंकि मुझे पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। तो बीच के रास्ते में मैंने ये भी उनको बताया कि चूँकि आप मुझे जो मेरी प्रतिमा EMI करती है आप उसको इस महीने स्थगित कर दें, ताकि मैं अपने जो पारिवारिक और जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कर सकूं। परंतु उन्होंने मेरी दिए गए आवेदन को भी दरकिनार करके मेरी किसी अनुनय विनय को नहीं माना। इससे कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि बैंक जो होता है वो ग्राहकों की सेवा के लिए होता है, ना कि वो एक सूदखोरी का अड्डा होता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी अगर किसी भी मानवीय जीवन में अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो वो किसी के दुख की घड़ी में भी वो इतना मतलब यानी क्रूर व्यवहार नहीं करता जितना क्रूर व्यवहार इनके द्वारा किया गया। तो चूँकि कहीं ना कहीं इनके इस घटना से मुझे बहुत पीड़ा हुई है, इसलिए मैं अपने श्रद्धेय पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं इस बैंक के समक्ष अपना मुंडन कार्यक्रम करवाया हूँ और उनके नाम पे आज पिंडदान किया हूँ। और चूँकि आज उनका एक वार्षिक कार्यक्रम भी रखा गया है, इसलिए मैं विरोध प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पे पिंडन और मुंडदान का कार्यक्रम और वस्त्र त्याग करके घर जा रहा हूँ।